अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसलमान फातिमा। आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगी। कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान से फैलना शुरू हुआ। ये वायरस इन्फेक्टेड एनिमल्स से इंसान में ट्रांसमिट हुआ। इस वायरस से तकरीबन 80,000 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से 2.3% अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस वायरस से मरने वालों में उम्र रसीदा अफराद, वो अफराद जिनको फेफड़ों की बीमारी हो या किसी किस्म का नशा करते हैं शामिल हैं। उसके अलावा ये वायरस उन लोगों पर हमला करता है जिनका मुदाफ़ती निज़ाम यानी कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो। ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसे या छींके तो उसके वायरस के अज्जा सरफेस पर चिपक जाते हैं। फिर अगर कोई दूसरा शख्स उस सरफेस को टच कर ले तो वो अज्जा उसके हाथ के ज़रिए उसके मुंह या सांस से उसके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। कोरोना वायरस के मरीज़ की अलामत ये हो सकती हैं: बुखार, खांसी, नाक का बहना, छींकी आना, सांस में तकलीफ होना और गले की सूजश। कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, इसलिए इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम इसकी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। नंबर 1, अपने चेहरे को कम से कम छुएं। नंबर 2, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। नंबर 3, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। नंबर 4, किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना लें। आखिर में मेरी पेरेंट्स से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों की तालीम के तसलसल के लिए आप अपने बच्चों को टाइम टेबल बना के दें ताकि आपके बच्चे स्टडीज़ के साथ इन टच रहें और उनको डेली 1 घंटा रीडिंग करवाएं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस आफत से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।